बिग बॉस सीजन 14 से शार्दुल पंडित एविक्ट हो चुके हैं। एविक्शन के बाद शार्दुल पंडित ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। जब शार्दुल ने हमारे साथ खास बात की तो उन्होंने बताया कि आखिर घर से बाहर निकलने के बाद उन्हें फैंस का कैसा प्यार मिल रहा है। आइए देखते हैं शार्दुल पंडित ने और क्या कुछ कहा। शार्दुल, आपका सफर बहुत ही छोटा रहा, आप वाइल्ड कार्ड एंट्री थे बिग बॉस हाउस के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि जब सलमान खान ने जब बोला कि 3 दिन पहले ही ये चीज पता चली थी कि आपकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, तो आपको क्या लगता है कि ये आपका सेट डिसीजन था एविक्शन का? मतलब ये सारी चीजें आपने बता रखी थी बिग बॉस को, या फिर एविक्शन वो जो जजेस ने जो डिसाइड किया था उस वजह से हुआ? सलमान भाई को ये चीज पता चली थ्रू समवन जिनको मैंने बताई भी नहीं थी। वो कोई बाहर इन आई डोंट नो कि मैं अभी उनका नाम ले सकता हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि बेसिकली कोई एक एक्ट्रेस हैं जिनको किसी के थ्रू मेरे बारे में पता चला और उनके थ्रू क्रिएटिव्स को पता चला और फिर वो भाई तक बात पहुंची। तो नहीं, मैंने नहीं बताई थी। ये लोग सोचते हैं कि आप लोग हम बता के सिंपैथी कार्ड लेते हैं, मैंने नहीं बताया था, उन्हें बाहर से पता चला है। ओके। शार्दुल, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? आप घर के बाहर आ चुके हैं, फैंस का कैसा प्यार मिल रहा है? आपके फ्लडेड होंगे सोशल मीडिया पे जितने भी अकाउंट्स हैं। बहुत जल्दी जल्दी फॉलोइंग बढ़ रही है। मेरे तो कुछ फॉलोअर्स ही नहीं थे ट्विटर पे, अभी निकलते सी 7,000 फॉलोअर्स बढ़ गए। इंस्टाग्राम पे बढ़ना शुरू हो गए हैं। उससे ज्यादा मैं आपको सच बताऊं, रूबीना के फैंस ऑब्वियसली रूबीना का साइड लेंगे, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि जिस तरह से मैंने रूबीना के बारे में बात करी या सब कुछ हुआ या मेरी इक्वेशन उनसे कैसी थी, लोग बोल रहे हैं कि मैंने दिल जीत लिया, और लोग ये कह रहे हैं कि बिग बॉस में ये कभी कभी होता है। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। और शार्दुल, एक चीज और थी पवित्रा आपकी, क्योंकि आपने जैसा कि बोला था जब आपकी एंट्री हुई थी कि पवित्रा आपकी बहुत ज्यादा ही क्लोज फ्रेंड रही हैं और वो आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और जो ट्यूनिंग थी वो भी हमने साफ तौर पर देखी थी, तो पवित्रा ने क्या अच्छे से दोस्ती निभाई कि नहीं निभाई, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ बिग बॉस हाउस के अंदर। पता नहीं, मेरे ख्याल से तो निभाई थी, क्योंकि एक टास्क था जहाँ पे उनको मुझे बचाने का मौका दिया था और वो अभिनव से पूरी ताकत लगा के लड़ी थी ना। जी जी जी, उनका तो हाथ भी ऑलमोस्ट टूट गया था। जी जी, और मैं जब दोस्ती करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आपने मेरे लिए क्या किया, मैंने करी ना तो करी। वो एक तरफा प्यार ही नहीं होता, एक तरफा दोस्ती भी होती है। जहां आप दोस्ती में मांगने लग जाओ फिर वो दोस्ती क्या।